हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप कुमार। आज बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि गाड़ी आपका एवरेज कितना देती है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो सीखा है गाड़ी चलाना वो मैंने अपनी गाड़ी से सीखा है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आप अगर आप बेहतर ड्राइव कर सकते हैं तो इससे आप बेहतर ही आप मतलब एवरेज निकाल पाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी मैंने सीखते सीखते और फिर हाईवे में भी चलाई, कितने किलोमीटर चली है और कितना एवरेज मैंने लिया है। आइए देखते हैं इसे। सो गाइस, ये हमारा स्पीडोमीटर। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है RPM, दैट इज़ रिवोल्यूशंस पर मिनट। अभी हम देखेंगे यहाँ पे मेरी जो गाड़ी है, ये देखिए मेरी गाड़ी में फ्यूल जो है वो यूज़ हो चुका है 63 लीटर। ओके, एंड टोटल गाड़ी मेरी चली है 814 किलोमीटर। एंड साइड में आपको दिखता है ये सारी चीज़ें, मेरा यहाँ पे फ्यूल अभी 2 पॉइंट है। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ तो आपको पता चलेगा कितना एवरेज देती है। ये देखिए अभी मेरा जो एवरेज है वो एक्चुअल एवरेज है वो 13 किलोमीटर पर लीटर है। ओके, ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने खुद गाड़ी चलाना सीखा है अपनी गाड़ी से, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लच यूज़ होता है। तो अगर आप बेहतर ड्राइवर हैं तो आपको मिनिमम ये 15 लीटर तो देगी ही देगी। और फिर दूसरा चीज़ ये है कि अभी तो बिल्कुल नहीं है, अभी 2000 किलोमीटर पर सर्विस एक नॉर्मल सी होगी फर्स्ट, उसके बाद में 10000 किलोमीटर पर होगी, फिर हर 10000 पर होगी। तो पहली और दूसरी सर्विस के बाद में ही एवरेज बहुत बेहतर आएगा। तो उम्मीद तो यही है कि 18 तो एवरेज देगा ही देगा पूरा, ये आपको समझना है। अभी बात करते हैं कि कितने किलोमीटर पर आ रहे हैं। अभी देखिए 15.9 किलोमीटर पर आर, ये एवरेज है किलोमीटर पर आर के हिसाब से। एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं, इसमें ट्रिप भी 814.1 किलोमीटर, रेंज अभी दिखा रहा है 170 किलोमीटर, इंस्टेंट, एंड ये आपको यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, टेम्परेचर। एंड ये आपका ये रेड वाला है, ये आपका सीट बेल्ट का दिखाता है, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ तो ये बीप करने लगेगा। एंड ये आपका हीट में है कि गाड़ी का कितना हीट है, ये इंजन का दिखा रहा है कि इंजन अभी ऑन होने वाला है, जैसे आपका ऑन होगा वैसे दिखा देगा। तो अभी मैंने आपको दिखा है कि एक्चुअल जो मेरी गाड़ी एवरेज दे रही है वो दे रही है 13 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। वो ये है कि मैंने खुद अपनी गाड़ी से चलाना सीखा है, दैट्स वाई इसमें बहुत ज़्यादा क्लच यूज़ होता है। तो आपको समझना, अगर आप अच्छा क्लच कम यूज़ कर रहे हैं, अच्छे ड्राइवर हैं, तो आपको इतना मतलब इससे बेहतर ही आपको एवरेज मिलेगा। अभी बात करते हैं गाड़ी के इंजन की, कि गाड़ी का इंजन कैसा है। सबसे पहले यहाँ से आपको बता दें गाड़ी का इंजन कहाँ से ओपन होता है। गाड़ी का इंजन हमारा ये नीचे एक बटन दिया हुआ था, इसको खींचना होता है इस तरीके से। ये अभी एक आवाज़ आई होगी आपको, तो अभी गाड़ी का इंजन ओपन हो गया है। अभी हम लोग आगे से देखेंगे इसका डोर को, आइए देखते हैं। अब हाँ, आ गए हैं फ्रंट की ओर, देखते हैं इंजन। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इसे डायरेक्ट ऐसे ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, यहाँ पे आपको एक येलो एक स्ट्रिप दिया होगा। एक सेकेंड आपको दिखाते हैं, ये इसको आपको ये ऐसे उठाना पड़ेगा, यहाँ से करना, तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे आप वहाँ से करेंगे, बट ये जो चीज़ दी गई इसे आपको लेफ़्ट साइड में करना होगा। जब लेफ़्ट साइड में आप करेंगे तभी आपका ओपन हो सकता है, ऐसे डायरेक्ट ओपन भी नहीं होगा। तो ये है आपका इंजन, 1000 cc है, वैसे 999 cc है, मानेंगे तो 1000 cc। इस तरीके से दी गई, ये एक्साइट की बैटरी मिलती है इसमें। ये देखिए एक एक चीज़ आपको अंदर से इस तरीके से दिखेगा, काफ़ी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जब आपका इंजन ऐसे ओपन होगा तो हल्का सा वो बीप करेगा, अभी मैंने ऑन भी करके रखा हुआ है। काफ़ी बड़ा इंजन है इसका, तो ये है आपका 1000 cc इंजन, एवरेज भी बहुत अच्छा दे रही है।
पास, मैंने तो गाड़ी चलाना सीखा है। अगर आप बेहतर ड्राइवर हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको बता दें बस इसे लास्ट में छोड़ देना, ये अपने आप से ही बंद हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट निशान मैग्नाइट। तो ये था गाड़ी का एवरेज। और एक चीज़ और आपको बतानी थी कि शुरुआत में जब मैंने गाड़ी चलाई थी 2 से 3 दिन, तो उस टाइम में तो गाड़ी का एवरेज 11 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से था। बट अभी मैं काफ़ी बेहतर सीख गया हूँ, तब मेरी गाड़ी 13 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से दे रही है। अगर आप अभी और अच्छे से गाड़ी को चलाएंगे, मतलब अगर बिना क्लच के कम यूज़ करते हैं, देन आपका मैग्नाइट बहुत अच्छा रिव्यू देगी, बहुत अच्छा ही आपको एवरेज देगी, और उम्मीद है कि इससे भी बहुत बेहतर देगी। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।